नमस्कार फ्रेंड्स, आई एम अजीत। आप देख रहे हैं बीएससी पार्ट वन की फिजिक्स, जिसकी कि आज यूनिट फोर कराएंगे हम। यूनिट फोर का फर्स्ट क्वेश्चन होगा। थर्ड यूनिट, तीन यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं। पुराने लेक्चर देखेंगे तो उसमें मिल जाएंगी। पेपर हैकर चैनल पर हैं आप, स्वागत है आपका। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कॉन्ट्रावेरियंट टेंसर। यूनिट का नाम है टेंसर। तो टेंसर क्या होता है सबसे पहले तो हम ये जानेंगे, फिर देखेंगे हम कॉन्ट्रावेरियंट टेंसर। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? कॉन्ट्रावेरियंट टेंसर। तो टेंसर क्या है? टेंसर टेंसर भाई एक ऐसी ऐसा सिस्टम है, ऐसा निकाय है जहाँ पे किसी भी तंत्र में, जैसे कि एक ये हो गया हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई भी पॉइंट है तो उसके माना कि फंक्शन कितना है। फंक्शन हमने ए मान लिया, ए वन, और वेरिएबल क्या मान लिए पॉइंट के, वेरिएबल हमने मान लिए एक्स, एक्स टू, एक्स थ्री, और फंक्शन हमने मान लिए ए वन, ए टू, ए वन, ए टू, ए थ्री अप टू डैश ए एन तक, और फंक्शन मान लिए हमने अप टू डैश एक्स एन तक। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। और दूसरा फ्रेम हमने अगर ले लिया तो दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यही चीजें, ये जो है फंक्शन हमने मान लिया किसी पॉइंट के लिए, फंक्शन हमने मान लिए ए वन है, ए डैश वन, ए डैश टू, क्योंकि हमने इसमें एक्स डैश, वाई डैश, एक्स डैश, जेड, जेड डैश और एक्स डैश ले लिया, एक्स जेड बाई ले लिया। तो ये डैश के फॉर्म में हमने दूसरा ले लिया, फर्स्ट हमने क्या ले लिया, फर्स्ट हमने एक्स वाई जेड के टर्म में ले लिया एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और उसमें फंक्शन क्या ले लिया हमने, कोई भी पॉइंट पी है उस पॉइंट का फंक्शन हमने क्या ले लिया, फंक्शन ए वन, ए टू, ए थ्री। और हमने ये ए वन, ए टू इसके ऊपर क्यों लिखा है? ऊपर इसलिए लिखा है क्योंकि टेंसर क्या होता है, टेंसर में अभी समझाएंगे ऊपर किस लिए लिखा है। तो ए वन, ए टू, ए वन डैश, ए टू डैश, ए डैश थ्री अप टू डैश ए डैश एन, और वेरिएबल हम क्या ले लेंगे इसका, पी पॉइंट के वेरिएबल हम ले लेंगे एक्स डैश वन, एक्स डैश टू, अप टू डैश एक्स डैश एन, ये हो गए वेरिएबल, ये हो गए फंक्शन। तो ये दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने ले लिए। तो इन दोनों की मदद से हम समझेंगे कि टेंसर या कोवेरिएंट ये है क्या, बोला कोवेरिएंट ऑफ टेंसर्स। एक्चुअल में हम टेंसर्स की ही ये तरह तरह की कैटेगरी को डिस्कस करेंगे, जैसे कि कॉन्ट्रावेरियंट हो गया, कोवेरियंट हो गया, मिक्स्ड फॉर्म हो गया, क्या टेंसर्स की ये फॉर्म है। तो इसमें क्या है हमारा, इसमें फंक्शन हमारा ए वन, ए टू, ए थ्री है अप टू डैश ए एन तक जा रहा है, और दूसरे वाले में क्या है हमारा, फंक्शन है हमारा ए वन डैश, ए टू डैश, ए थ्री डैश, अप टू डैश ए एन डैश तक जा रहा है। तो इसके जो हमारे, जो हमारा वेरिएबल है, इसके जो हमारे यूनिट वेक्टर होंगे, यूनिट वेक्टर है बेस वेक्टर, वो बेस वेक्टर है यूनिट वेक्टर, इसके आई जे के मान लिए हमने, मान लिया आई जे के हैं, आई जे के यूनिट वेक्टर हैं ये मान लिया हमने। तो इसमें जो वेरिएबल के, इसके जो यूनिट वेक्टर होंगे, तो वो यूनिट वेक्टर आई जे के नहीं होंगे, वो यूनिट वेक्टर चेंज हो जाएंगे, यानी कि डैश वाले के सिस्टम के लिए यूनिट वेक्टर क्या हो जाएंगे, डैश वाले सिस्टम के लिए यूनिट वेक्टर चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे मान लो अल्फा, बीटा, गामा ले लो, तो यूनिट वेक्टर क्या हो गए, चेंज हो गए भाई,
तो ये जो चेंज हो गए ना यूनिट वेक्टर या बेस वेक्टर, चेंजिंग ऑफ बेस वेक्टर फॉर ए पॉइंट पी फ्रॉम वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू अनदर। तो सबसे पहली कंडीशन क्या आ गई, सबसे पहली कंडीशन तो ये आ गई कि चेंजिंग ऑफ बेस वेक्टर, बेस वेक्टर चेंज हो रहे हैं यहां पे, क्या चेंज हो रहे हैं, चेंजिंग ऑफ बेस वेक्टर। और बेस वेक्टर क्या है, ये बेस वेक्टर ये हैं, तो बेस वेक्टर की चेंजिंग हो रही है। बेस वेक्टर होते क्या हैं एक्चुअल में, बेस वेक्टर वही वेक्टर होते हैं जो अब तक हम यूनिट वेक्टर के फॉर्म में जिनको पढ़ते थे, जैसे कि पहले सिस्टम में हमारी क्या हो गए, सिस्टम बन के लिए हमारे आई कैप जे कैप के कैप हो गए, और सिस्टम टू के लिए हमारे अब ये क्या हो जाएंगे, उसी पॉइंट के लिए अल्फा बीटा एंड गामा हो गए हमारे। तो सिंपल सी बात है कि जब हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा जो चेंज हो रहा है ना, तो हमारे जो ये हैं बेस वेक्टर वो भी चेंज हो रहे हैं। तो अब इस ये क्यों चेंज हो रहे हैं, क्योंकि अगर हम इसी डायग्राम को इस तरह से बनाएं, दोनों डायग्राम को हम कंबाइंड करके अगर यहाँ पे बना के देखें, तो हम पाएंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है हमारा फर्स्ट वाला डायग्राम है, यानी कि ये हो गया हमारा एक्स वाई और जेड। अब ये पॉइंट पी है, अब ये डायग्राम हमने कैसे ले लिया, डैश वाली फॉर्म में हमने इस तरह से बनाया ये डायग्राम, यानी कि ये वाई डैश आ गया, ये जेड डैश आ गया, और यहाँ कहीं पे जाके आ जाएगा हमारा एक्स डैश। तो ये जो है हमारा, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट हो गया। तो ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सिस्टम वन सिस्टम टू हमने लिया है, ये सिस्टम वन मान लिया और ये सिस्टम टू मान लिया। तो सिस्टम वन और सिस्टम टू यहाँ पे लिया है, पॉइंट पी लिया है, और पॉइंट पी के लिए फंक्शन और वेरिएबल लिए हैं। सिस्टम वन सिस्टम टू ये लिया है और उसी में पी पॉइंट लिया है सेम, और पॉइंट पी के अब की बार जो वेरिएबल और फंक्शन है वो डैश फॉर्म में आ गए, क्योंकि जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस था थोड़ा सा क्या हो गया, चेंज हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा ओरिजिनल था, उसी को हमने थोड़ा सा रोटेट कर दिया। रोटेट करके जब हम देखेंगे पॉइंट पी है, पॉइंट पी के लिए ही दो वेरिएबल और दो फंक्शन बन जाएंगे हमारे, और बेस वेक्टर भी चेंज हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, तो बेस वेक्टर इसके भी इसके चेंज हो जाएंगे। अब जो बेस वेक्टर चेंज हुए, तो इसके यानी कि फर्स्ट वाले सिस्टम के बेस वेक्टर से या फंक्शंस वेरिएबल से ये हम देखेंगे, ये है हमारा x, x डैश y डैश y, z डैश z, और ये रहा हमारा पॉइंट p, जिसके की दो हो गए इस समय हमारे। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं डैश वाले में कि हमारे बेस वेक्टर चेंज हो रहे हैं। सिंपल सी बात है, तो बेस वेक्टर हमने मान लिया, जैसे कि पहले वाले के लिए हमारे क्या थे, सिस्टम वन के लिए मान ले रहे हैं हम फंक्शन जो है हमारा फंक्शन ए वन कॉमा ए टू अप टू डैश ए एन तक जाएगा। तो हम इस पूरे सिस्टम को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर हम कह सकते हैं वेयर आई इक्वल टू वन से लेके अप टू डैश एन तक।
आई इक्वल टू वन से लेके कहां तक है, एन तक। तो हम इस पूरे को हम ए आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं फंक्शंस को, तो फंक्शन हम ए आई लिख सकते हैं, सिंपल है। और दूसरे और फंक्शन हम ए आई से लिख सकते हैं, इतना बात इतनी बात समझ में आ गई। और ऐसे ही इसके क्या है, इसके वेरिएबल जो है, वेरिएबल क्या है इनके, वेरिएबल एक्स वन कॉमा एक्स टू कॉमा अप टू डैश एक्स एन और एक्स एन तक। ये हम ऊपर क्यों लिख रहे हैं ये भी बता देंगे, थोड़ी देर वेट कीजिए, अभी थोड़ा सा समझ लीजिए इसको। तो इसमें हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये टोटल पूरा जो निकाय है हमारा, पूरा जो तंत्र है, पूरे जो वेरिएबल्स हैं हमारे एक्स वन से लेकर एन तक, इनको हम एक्स आई लिख सकते हैं। यानी कि पूरे एक्स आई का मतलब हो गया टोटल जितने भी वेरिएबल हैं सभी आ गए इसमें, वेयर आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आई वैल्यू है वन से लेकर एन तक की। यानी कि आई की जगह हम जितना पुट करेंगे वो वाला हमारा वेरिएबल आ जाएगा। तो ये सिंपल है, ये इतनी बात समझ में आ गई। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं सबसे पहले तो किस तरह से, विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ पार्शियल डिफरेंस डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब मैथमेटिक्स के पार्शियल डिफरेंशिएशन एक फॉर्मूला होता है, उसकी सहायता से हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो वही हम देखेंगे। तो पहला सिस्टम ये हो गया सिस्टम, सेकंड हमारा ये हो गया। पहले तो सिस्टम, दो सिस्टम होने चाहिए तभी हम मैथमेटिकल फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। तो पहला सिस्टम चूंकि हमारे पास दो हैं यहाँ पे, तो दोनों के लिए अलग अलग लिखे जाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट का हो गया। सिस्टम टू के लिए हमारे क्या हो जाएंगे, सिस्टम टू के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए डैश वन कॉमा ए डैश टू अप टू डैश कहाँ तक, ए डैश एन, और इनको हम क्या लिख सकते हैं, ए क्या लिख सकते हैं, तो इनको लिख सकते हैं हम फ्रेंड्स ए डैश आई, क्या लिख सकते हैं, ए डैश आई लिख सकते हैं हम इसको पूरे सिस्टम को। ऐसे ही हम इनके वेरिएबल को लिख सकते हैं, वेरिएबल क्या है हमारे, एक्स डैश वन कॉमा एक्स डैश टू अप टू डैश कहाँ तक है, एक्स डैश एन तक, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स डैश आई लिख सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये हो गया हमारा इसका, इसके टोटल वेरिएबल का डिनोमिनेशन एक्स डैश आई, वेयर आई इक्वल टू वही है आई इक्वल टू वन से लेकर एन तक, और वहां पे ए डैश आई में भी क्या है, आई इक्वल टू वन से लेकर एन तक हो जाएगा। तो दो सिस्टम के अलग अलग वेरिएबल और फंक्शन हमने लिख लिए। तो अब इन दोनों के लिए हम क्या लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए डैश आई इज द फंक्शन ऑफ एक्स डैश आई, ये हम लिख सकते हैं ऐसे ही, यहां पे लिख सकते हैं हम, यहां पे भी क्या लिख सकते हैं सेकंड वाले के लिए, रुक जाओ अभी इसको जो है बाद में लिखेंगे, यहां पे भी हम लिख सकते हैं देन, यहां पे भी हम क्या लिख सकते हैं देन ए आई इज द फंक्शन ऑफ एक्स आई, इतनी बात समझ में आ गई। यानी कि ए डैश आई फंक्शन किसका होगा, एक्स डैश आई का, और ए आई जो फंक्शन है वो किसका होगा, एक्स आई का, सिंपल है। अब इस पूरे ए आई फंक्शन और वेरिएबल एक्स आई, यानी कि ए आई इज द फंक्शन ऑफ एक्स आई वेरिएबल और ए डैश आई इज द फंक्शन ऑफ एक्स डैश आई वेरिएबल, तो इस वाले वेरिएबल की सहायता से इस वाले सिस्टम के सिस्टम टू के, यानी कि सिस्टम टू, ये रहा सिस्टम टू, ये वेरिएबल है
तो यानी कि सिस्टम टू के वेरिएबल की सहायता से सिस्टम वन के वेरिएबल को फाइंड कर लेना ही क्या कहलाता है, टेंसर कहलाता है भाई। यानी कि ये बात तो क्लियर हो गई कि सिस्टम टू के जो वेरिएबल है हमारे x-1 x-2 x-n, उनका यूज करके फंक्शन के साथ उनके उनका यूज करके, और हम इन वाले वेरिएबल्स को फाइंड आउट कर लें, इन वाले वेरिएबल्स की वैल्यू जान लें, वही हमारा क्या कहलाएगा, टेंसर कहलाएगा। सीधी सी बात है, टेंसर समझ में आ गया। तो इसको क्या लिख लेंगे, अकॉर्डिंग टू टेंसर वी कैन फाइंड आउट दी वेरिएबल ऑफ सिस्टम वन, वेरिएबल्स ऑफ सिस्टम वन विद दी हेल्प ऑफ सिस्टम टू वेरिएबल्स। इतनी बात क्लियर हो गई। अकॉर्डिंग टू टेंसर, टेंसर क्या कहता है हमारा, अकॉर्डिंग टू टेंसर हम क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट द वेरिएबल्स ऑफ सिस्टम वन विद द हेल्प ऑफ सिस्टम टू वेरिएबल। यानी कि सिस्टम वन के वेरिएबल सिस्टम टू के वेरिएबल की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ये रहे हमारे टू सिस्टम, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया x-, y-, z-। x हो गया, y हो गया, z हो गया, पॉइंट P है। तो ये जो वेरिएबल है कौन से, अब हम फंक्शन को क्या मान सकते हैं, डायरेक्ट फंक्शन को हम AI लिख दे रहे हैं, और यहाँ पे वेरिएबल को हम क्या लिख दे रहे हैं, xi। ऐसे ही यहाँ पे फंक्शन को हम लिख दे रहे हैं a-i, और वेरिएबल को हम लिख दे रहे हैं x-i। ठीक है, तो हम इस वाले की, यानी कि ये क्या है हमारा, ये सिस्टम बने हमारा, और ये क्या है, सिस्टम टू है हमारा। तो यानी कि सिस्टम टू के वेरिएबल क्यों यूज करके, सिस्टम टू के वेरिएबल का यूज करके सिस्टम वन के वेरिएबल को फाइंड आउट कर लेना ही हमारा क्या कहलाता है, टेंसर कहलाता है दोस्तों। तो अब हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, क्या कहेंगे, क्या लिखेंगे हम दोनों को, लेट रोट इन मैथमेटिकल, लेट रोट दिस रिलेशन, रिलेशन कह दीजिए इसको तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, लेट राइट दिस रिलेशन बिटवीन सिस्टम वन एंड सिस्टम टू वेरिएबल। लेट रोट राइट दिस रिलेशन बिटवीन सिस्टम वन एंड सिस्टम टू वेरिएबल्स इन मैथमेटिकल फॉर्म, किसमें, मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देते हैं हम इसको, मैथमेटिकल फॉर्म। मैथमेटिकल फॉर्म से ही तो हम रिलेशन फाइंड आउट कर पाएंगे, तभी तो हम वैल्यू निकाल पाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, हम लिख देंगे ए, और सबसे पहले हम कह लेंगे आई, ये हमारा ए आई हो गया, ए ए आई अपॉन हम क्या कर देंगे, ए डैश आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, इस वाले का क्या है हमारे का वेरिएबल, आई वाले का डेल्टा डेल डेल एक्स आई अपॉन इसका क्या हो जाएगा, डेल एक्स डैश आई, ये हो जाएगा हमारा मैथमेटिकल फॉर्म में, ये रिलेशन बन के आएगा हमारा। यानी कि फंक्शन ऑफ ए आई और फंक्शन फंक्शन ऑफ ए आई विद रेस्पेक्ट टू ए ए डैश आई एंड
डेल पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ए आई विद रेस्पेक्ट टू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ए डैश आई, ये इस तरह से लिख देंगे इसको। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म हो गई इसकी, सिंपल है, कंफ्यूज नहीं होना है। अल्फा बीटा गामा भी दे रखा है, तो दूसरे वाले के लिए अगर हम वेरिएबल वो लेंगे, हम क्या है ये आई आई आई, ये क्या है ये ए वन से लेके एन तक जा रहा है, इसकी जगह अल्फा लिख लो, बीटा लिख लो, गामा लिख लो, कितने तक जाएगा, वन से लेके एन तक ही जाएगा। तो यहाँ पे कंफ्यूजन से बचने के लिए कुछ लोग अल्फा लिख देते हैं, कुछ बीटा लिख देते हैं, कुछ गामा लिख देते हैं, उससे कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। ये क्या है, सिंपल, ये डिनोट करता है आई, वेयर आई इक्वल टू 1 2 3 से लेकर कहाँ तक, एन तक। आई क्या है, आई वैल्यू दिखा रहा है यहाँ पे, सिंपल सी बात है ये, इतनी सी बात है, आई होप समझ में आ गई होगी। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से। आई होप ये क्लियर होगा, तो इतना क्लियर होगा। और इसको हम क्या करेंगे, तो इस तरह से, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों तरह से लिखा जा सकता है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए डैश आई अपॉन ए आई इक्वल टू एक्स डैश आई अपॉन पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स आई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आई होप। और इसको हम बोलेंगे क्या, ये क्या हमारा, ये फॉर्मूला है जनरल, जनरल फॉर्मूला क्या है ये, तो इसमें ये क्या हो गया हमारा, इसको हम लिख देंगे ए डैश आई इक्वल टू पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स डैश आई अपॉन पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स आई, और मल्टीपल हो जाएगा ये इधर जाके ए आई। इतनी बात तो समझ में आती होगी। तो इस वाले फॉर्मूले में ये हमारा क्या बनेगा, कॉन्ट्रा वेरिएंट बनेगा ये, कॉन्ट्रा वेरिएंट क्या बनेगा, ये कॉन्ट्रा वेरिएंट, क्योंकि हम दूसरे वाले की सहायता से पहले वाले के वेरिएबल कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए हमने डैश वाला पहले लिख लिया। और वहां पे जो हमने पीछे फॉर्मूला लिखा था, ये जो फॉर्मूला था इसमें कौन सा फर्स्ट सिस्टम का पहले था, तो फर्स्ट सिस्टम के से हम सेकंड वाला कैलकुलेट कर नहीं रहे, हम सेकंड वाले के से फर्स्ट वाला कैलकुलेट करेंगे, तो इसलिए हमने क्या ले लिया इसको पहले। तो कोई सा किधर भी लिख लो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये दोनों कैसे हो जाएंगे, एक दूसरे से उलट भी सकते हैं, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, इधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। तो इसको ही हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रा वेरिएंट वेक्टर बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रा वेरिएंट वेक्टर। ये हो गया हमारा कॉन्ट्रा वेरिएंट वेक्टर, ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ में आ गया, ये कॉन्ट्रा वेरिएंट वेक्टर हो गया। और इधर के पार्ट में हमारा क्या हो गया, कंपोनेंट्स ऑफ कॉन्ट्रा वेरिएंट वेक्टर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, कंपोनेंट्स ऑफ कॉन्ट्रा वेरिएंट वेक्टर। आई होप कि कॉन्ट्रा वेरिएंट वेक्टर समझ में आ गया होगा। तो ए डैश आई क्या है, यहाँ पे कॉन्ट्रा वेरिएंट वेक्टर है, और कंपोनेंट्स ऑफ कॉन्ट्रा वेरिएंट वेक्टर क्या है, ए आई है। अब कॉन्ट्रा वेरिएंट वेक्टर क्या बोला है, तो कॉन्ट्रा वेरिएंट वेक्टर क्या होता है, कॉन्ट्रा वेरिएंट वेक्टर, कॉन्ट्रा वेरिएंट वेक्टर क्या होता है, दैट वेक्टर इन विच क्या होता है, इफ वी इंक्रीज, इफ वी इंक्रीज, अगर हम इंक्रीज करते हैं, क्या इंक्रीज करते हैं, वो होता है कॉन्ट्रावेरिएंट, जिसमें कि हम इफ वी इंक्रीज कंपोनेंट, अगर हम कंपोनेंट इंक्रीज कर रहे हैं, कंपोनेंट अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा,
तो ये जो हो जाएगा हमारा कंपोनेंट इंक्रीज हो जाए, अगर हम कंपोनेंट इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा इसके साथ, इफ वी इंक्रीज कंपोनेंट, तो कंपोनेंट जब हम इंक्रीज करेंगे तो क्या घटेगा हमारा बेस वेक्टर, क्या घट जाएगा हमारा बेस वेक्टर घट जाएगा, तो डिक्रीज इन, डिक्रीज इन बेस वेक्टर, सिंपल है। यानी कि जैसे कि ये है हमारा, ये हमारे आई आई है, तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो गई इस समय, ये 2i हो गए। लेकिन जब हम इनको रिप्लेस करके क्या करेंगे, हम रिप्लेस करके जब हम एक लेके आएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू हो गई एक। लेकिन इसका क्या हो गया, जब हमने क्या किया, जब हमने कंपोनेंट इंक्रीज किया, कंपोनेंट क्या किया यहाँ पे हमने, कंपोनेंट इंक्रीज कर दिया, कंपोनेंट क्या किया, कंपोनेंट इंक्रीज, अरे कंपोनेंट की हाइट इंक्रीज, लेंथ इंक्रीज कर दी ना, लेंथ ये देखो लेंथ इंक्रीज कर दी कंपोनेंट की, यहाँ पे छोटी छोटी थी लेंथ, ये इतनी छोटी छोटी सी थी, तो कंपोनेंट की अब लेंथ हमने इंक्रीज कर दी, तो कंपोनेंट की लेंथ हमने इंक्रीज कर दी। ध्यान से देखिए, जब कंपोनेंट की हमने लेंथ इंक्रीज कर दी तो क्या हो गया, हमारा जो बेस वेक्टर है, बेस वेक्टर क्या हो गया, बेस वेक्टर डिक्रीज हो गया, डिक्रीज बेस वेक्टर क्या हो गया, बेस वेक्टर डिक्रीज हो गया। चूंकि इन बेस वेक्टर से ही इसमें कंफ्यूजन ना हो, इसलिए इसको आई को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख लेते हैं, अलग अलग लिख लेते हैं। कुछ लोग इसको अल्फा लिखते हैं, इसको बीटा लिख देते हैं, इसको अल्फा लिख देते हैं, इसको बीटा लिख देते हैं, इस तरह से लिख लेते हैं। उसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, क्योंकि बेस वेक्टर हम आई अगर हम लेंगे आई जे के सिस्टम में, तो हम इनको अल्फा बीटा कुछ भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि ये तो आई वन से लेके एन तक की वैल्यू शो कर रहा है। यहाँ पे आई क्या है, ये बेस वेक्टर नहीं है, यहाँ पे आई क्या है, 1 2 3 अप टू डैश एन, ये है यहाँ पे आई की वैल्यू। बट यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे मान लिया है बेस वेक्टर, ये क्या है, ये हमारा आई यहाँ पे बेस वेक्टर है। तो बेस वेक्टर को जब हमने क्या किया, छोटा छोटा बेस वेक्टर था, तो हमारा कंपोनेंट, कंपोनेंट कितना था, कंपोनेंट छोटा छोटा था, तो हमारा बेस वेक्टर कितना था, बड़ा था। और जब हमने कंपोनेंट को बड़ा कर दिया तो बेस वेक्टर छोटू सा रह गया, यानी कि हाफ हो गया, सीधा सीधा 2i का i हो गया, तो हाफ हो रहा है। ठीक है, तो यही हमारा ये कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है दोनों में, यानी कि कंपोनेंट बढ़ा रहे हैं तो हमारा बेस वेक्टर घट रहा है, बेस वेक्टर बढ़ा रहे हैं तो कंपोनेंट घट रहा है, यही कॉन्ट्राडिक्ट हमारा क्या कहलाता है, कॉन्ट्रावेरियंट कहलाता है, डिक्रीज इन बेस वेक्टर। ये रहा, आई होप समझ में आ गया होगा। दिस कॉन्ट्राडिक्ट रिलेशन बिटवीन कंपोनेंट एंड बेस वेक्टर इज कॉल्ड कॉन्ट्रावेरिएंट। कौन सा, वही वही कि हमारा कंपोनेंट बढ़ाने पे क्या हो रहा है, बेस वेक्टर डिक्रीज हो रहा है, क्या इंक्रीज इन कंपोनेंट क्या हो रहा है हमारा, डिक्रीज इन बेस वेक्टर। और ऐसे ही हमारा क्या हो रहा है, यही वाला जो रिलेशन है ना, यही रिलेशन होता है कॉन्ट्रावेरिएंट, क्या कहते हैं इसी को, कॉन्ट्रावेरिएंट कहते हैं हम, जो हमने एग्जाम्पल से समझा था इस तरह से, आई है आई है, अगर हमने इसको क्या कर दिया, कंपोनेंट इंक्रीज कर दिया, हमने कंपोनेंट को क्या कर दिया, इंक्रीज, और यहाँ पे कंपोनेंट को क्या कर दिया, डिक्रीज, तो ये क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा, यानी कि
बेस वेक्टर क्या हो गया इंक्रीज, और इस कंडीशन में क्या इतना हो जाएगा आई हो जाएगा खाली, तो बेस वेक्टर क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। सिंपल है ये, रिलेशन कॉन्ट्रा वेरिएंट कहलाता है भाई। आई होप क्लियर हो गया होगा कॉन्ट्रा वेरिएंट है क्या बोला, कॉन्ट्रा वेरिएंट क्लियर हो गया होगा। अब जो हमारी मेन इक्वेशन थी मैन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या फिर इक्वेशन फॉर कॉन्ट्रा वेरिएंट, कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर, इसको हम क्या कहते हैं, या तो कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर लिख दें। कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर को हम क्या क्या लिख सकते हैं, तुम्हारी क्या थी ए डैश आई थी, और ए डैश आई को हमने क्या लिया था डेल्टा डे सॉरी पार्शियल डिफरेंशिएशन, इसको कुछ भी कह सकते हैं, डेल भी कहते हैं डेवर भी कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन भी कहते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात ना है। डैश आई अपॉन डेल एक्स आई इंटू कितना लिया था हमने ए आई। अब चूंकि हम आई को क्या चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है, आई की जगह हम क्या ले लेंगे ए डैश, यहाँ पे क्या ले लेंगे हम ए डैश की जगह अल्फा ले लेंगे म्यू ले लेंगे, जो चाहे वो ले सकते हैं, किताब में जो लिया है वो ले ले रहे हैं। किताब में क्या लिया है तुम्हारी में, किताब में म्यू ले रखा है तो म्यू ले ले रहे हैं हम, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा एक्स म्यू हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा एक्स एक्स डैश म्यू। अब कुछ ने यहाँ पे माइनस का साइन ले रखा है, तो कंफ्यूज होने वाली बात ना है, वो माइनस का साइन और नीचे वाले में इस वाले में प्लस का साइन, इसमें माइनस का साइन, वो दिखा कॉन्ट्रा वेरियंट ही रहा है, कॉन्ट्रा वेरियंट कंडीशन दिखा रहा है, वो एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, एक घट रहा है एक बढ़ रहा है, यानी कि दोनों जो है कॉन्ट्रा वेरियंट कंडीशन में चल रहे हैं, तो वही सब दिखा रहे हैं ये, तो उसमें कोई भी घबराने वाली बात ना आएगी। इसमें डेल्टा एक्स का ये हमने मान लिया कितना अल्फा मान लिया, इसके लिए तो यहाँ पे कितना लिख लिया हमने अल्फा लिख लिया, लो हमारा हो गया अलग अलग है। सबकी वैल्यू कितनी 1 से लेके एन तक ही होंगी सबकी वैल्यू, इसमें कोई घबराने वाली बात है नहीं। वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे भी, आई की वैल्यू कितनी है 1 2 3 up to n, और यहाँ पे भी कितनी है, यहाँ पे दो वैल्यू मिल जाएंगी फर्स्ट सिस्टम के लिए सेकंड सिस्टम के लिए, तो ये भी है बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 up to n, और अल्फा क्या हो जाएगा अल्फा भी कितना हो जाएगा 1 2 3 up to n, कोई कंफ्यूजन होने कोई कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है इसमें, ये तो हम पहले ही समझा तो चुके हैं। ए म्यू का मतलब क्या होता है a-1 a-2 a-3 up to an तक जाएगा, ऐसे ही अल्फा का मतलब भी वही होता है a-1 a-2 a-3 up to an तक जाएगा, तो इसमें तो कोई कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है, इतना इतना आ गया। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कॉन्ट्रा वेरिएंट, कॉन्ट्रा वेरिएंट कैसा है कि फर्स्ट सिस्टम से सेकंड सिस्टम का में कैसे बदल जाता है ये, और कैसे सेकंड सिस्टम से फर्स्ट सिस्टम में बदल जाता है, यानी कि ये फर्स्ट सिस्टम के द्वारा अपना फर्स्ट सिस्टम के वेरिएबल के द्वारा सेकंड सिस्टम के वेरिएबल कैसे निकल आते हैं, और सेकंड सिस्टम के वेरिएबल के द्वारा फर्स्ट सिस्टम के वेरिएबल कैसे निकल आते हैं वो हम देखेंगे। ये इक्वेशन समझ में आती है, आई होप ये इक्वेशन समझ में आई गई होगी। ये हमारी क्या है मेन इक्वेशन हो गई, इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है, तो मेन इक्वेशन ये हो गई हमारी, इसको हमने क्या कह लिया इक्वेशन 1 कह लिया, तो हम इसमें क्या करेंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे ए अल्फा को यहाँ पे कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर ऑफ फर्स्ट रैंक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 1। अब ये रैंक 1 और रैंक 2 क्या चक्कर है, तो रैंक 1 रैंक 2 में घबराने वाली बात नहीं है, रैंक 1 रैंक 2 क्या होता है, वो होता है जो मैट्रिक्स में हम पढ़ते थे मैथ वाले आसानी से समझ जाएंगे,
A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो इसमें क्या है, इसमें ये कौन सा है, सेकंड ऑर्डर का ये डिफरेंशिएशन, यानी कि सेकंड ऑर्डर का है ये। सेकंड ऑर्डर के मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे ए जो वेरी कर रहा है वो आई और जे में वेरी कर रहा है, आई भी बढ़ रहा है जे भी बढ़ रहा है। देखो आई वन से लेकर कहाँ तक जा रहा है, थ्री थ्री, आई भी वन से लेकर थ्री तक जा रहा है पूरे सिस्टम में, और जे भी कहाँ से कहाँ तक आई वन से लेकर थ्री तक जा रहा है। तो इस तरह से होता है ये, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। और रैंक वन वाले में ये वन है, ये वन है, आई ए आई हो जाएगा, सिंपल है। तो ये एक अलग चीज है, इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। हमने ये ऊपर क्यों लगा रखे हैं, ये इसीलिए हमने ऊपर लेते हैं हम इसको, क्यों, क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं, एक बढ़ता है एक घटता है, एक घटता है एक बढ़ता है, इसलिए हम इनको थोड़ा अलग शो करने के लिए इनके हम सिर पे लगा देते हैं इस तरह से, A1 A2 A3। तो इसमें कोई घबराने वाली बात है नहीं, सिंपल वाले जो होते हैं हमारे, क्योंकि ये क्या है हमारे, इसमें वेक्टर की जो है डायरेक्शन वो वैसे सिंपली हम क्या वन डायरेक्शनल वाले वेक्टर कवर करते थे अब तक, अब ये वन डायरेक्शन वाले, लेकिन इसमें डायरेक्शन कई कई होती है, क्योंकि हमने देखा सिस्टम को जब हम घुमा देते हैं ना इस तरह से, जब हम सिस्टम को इस तरह से डैश पे लेके इस तरह से, तो यहाँ पे क्या है डायरेक्शन कई हो जाती है, पी पॉइंट के जो बेस वेक्टर है ना उनकी कई डायरेक्शन हो जाएंगी पी पॉइंट के बेस वेक्टर की। ये है इस तरह से, तो ये पी पॉइंट ले लिया हमने। अब ये पी पॉइंट है, इसका एक तो हम परपेंडिकुलर डालते हैं और एक हम क्या डालेंगे पैरेलल लाइन, एक इसके पैरेलल डालेंगे, इस वाली के पैरेलल ये हैगी और इस वाली के पैरेलल ये 90 डिग्री वाली हैगी और ये पैरेलल हो गई, इस वाली के पैरेलल ये हो गई, इस वाली के पैरेलल ये हो गई, और ये कौन सी हो गई, ये हो गई 90 डिग्री वाली, ये परपेंडिकुलर हो गए। तो इस तरह से भी हम देख सकते हैं इनको, तो एक इसमें कोवेरिएंट शो करता है और एक करता है हमारा शो कॉन्ट्रावेरिएंट। अब कॉन्ट्रावेरिएंट कौन सा शो करता है, कोवेरिएंट कौन सा शो करता है, तो सिंपल सी बात है, पैरेलल वाला हमारा क्या शो करेगा, पैरेलल वाला जो है वो कोवेरिएंट शो करेगा और परपेंडिकुलर वाला कॉन्ट्रावेरिएंट शो करेगा। ज्यादा सोचने ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है, जो मैंने समझाया वही ठीक है। जेड जेड डैश एक्स एक्स डैश बाई बाई डैश कुछ भी मान लो इनको, इसको एक्स मान लो उसको, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात ना है। तो ए अल्फा क्या है, कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक वन भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, और इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रावेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्ट्रावेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रावेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन। और हम इसको क्या बोलेंगे, और हम इसको कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर भी बोल सकते हैं, सिंपल है, क्या बोल सकते हैं, और कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर भी बोल देंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम जो हमारा समीकरण है, ये समीकरण एक, इक्वेशन एक में हम डेल एक्स बीटा अपॉन डेल एक्स म्यू डैश म्यू से हम ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे, मल्टीपल इक्वेशन वन बोथ साइड विद एक्स की पावर एक्स डैश म्यू। ये हमने ऐसा क्यों किया, चूंकि अल्फा वाला हमारा एक पोजीशन में क्या था, एक हमारा म्यू डैश, एक हमारा डैश पे था और एक हमारा विदाउट डैश के था, यानी कि दो सिस्टम हमारे थे ही थे, ठीक है।
तीसरा सिस्टम हमने ले, तीसरा हमने बेस वेक्टर ले लिया, कौन सा तीसरा सिस्टम में ले लिया हमने, बीटा वाला, बीटा वाला हमारा क्या है थर्ड शो कर रहा है हमारा ये, ठीक है। तो थर्ड वाले से हम क्या करेंगे मल्टीपल कर देंगे बोथ साइड, तो ए डैश न्यू मल्टीपल कितना हो जाएगा डेल्टा एक्स बीटा अपॉन, और इधर कितना है हमारा, इधर है हमारा ए की पावर अल्फा, चलो पहले ही लिख ले रहे हैं हम इसको, डेल्टा एक्स बीटा एक्स डैश म्यू, और कितना है हमारा मल्टीपल कितना कितने में हो रहा है डेल्टा एक्स की पावर, इक्वेशन वन कितना था हमारा डैश म्यू अपॉन डेल एक्स की पावर कितनी थी अल्फा, और ये कितना था ए अल्फा कॉन्ट्रावेरियंट वेक्टर, ये आ गया हमारा सिंपल है, हमने कुछ एक्स्ट्रा ना किया है, इससे मल्टीपल कर दिया इस वाले टर्म से बोथ साइड, बोथ साइड हमने क्या कर दिया मल्टीपल कर दिया, इससे हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, कोई फर्क हमारा पड़ने वाला है नहीं खास इक्वेशन पे। इतनी बात आई होप समझ में आ गई होगी सभी के। तो अब हम क्या करेंगे, अब सिंपल सी बात है, कुछ बहुत ज्यादा इसमें करना नहीं है। तो डेल्टा एक्स बीटा और डेल्टा एक्स अल्फा बचेगा हमारा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, कौन सा ये वाला कंपोनेंट इस वाले से, ये सेम सेम कंपोनेंट है तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा हमारा ए डैश म्यू, और कितना बचेगा डेल्टा एक्स बीटा अपॉन डेल्टा एक्स डैश म्यू इक्वल टू, यहां पे बचेगा हमारा डेल्टा एक्स बीटा अपॉन डेल एक्स, सॉरी डेल है ये वैसे, मैं डेल्टा डेल्टा बोल रहा हूँ, डेल एक्स अल्फा, इससे कंफ्यूज मत हो जाना ए अल्फा, ठीक है ये आ जाएगा, ठीक इतना आ जाएगा। अब इतना यहां तक समझ में आया कैसे आया, क्योंकि हमारा डेल एक्स डैश म्यू से डेल एक्स डैश म्यू वाला कंपोनेंट कट गया, कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि मल्टीपल में थे एक ऊपर था एक नीचे था तो कैंसिल आउट हो गया, या मान लो डिवाइड हो गया, एक ही बात है। अब यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे ए बीटा और ए अल्फा का फंक्शन देखेंगे हम कितना होगा, चूंकि ए अल्फा ए बीटा अगर हम निकालेंगे, यहाँ पे निकाल ले रहे हैं भाई, चूंकि ए अल्फा और ए बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा डेल एक्स अल्फा अपॉन डेल एक्स बीटा, यही आ जाएगा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। और यहाँ पे हम क्या निकाल लेंगे वैल्यू किसकी निकाल लेंगे हम, इसकी निकाल लेंगे हम ए बीटा की, ए बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे हम, ए बीटा इक्वल टू यहाँ से निकाल लेंगे ए बीटा, इधर इधर भेज देंगे हम, और या इसको हम उलट के लिख सकते हैं, सिंपल है, सिंपल है, उलट के लिख सकते हैं ए इसको बीटा लिख सकते हैं, इसको अल्फा, कोई फर्क पड़ने वाला होता नहीं है, दोनों तरह से हम इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं, अल्फा ऊपर भी लिख सकते हैं अल्फा नीचे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो ए बीटा अपॉन ए अल्फा, हमने ऐसा क्यों किया, उलट के क्यों लिख लिया, वो उसका रीजन है, वो हम बता देंगे क्यों किया। तो ए बीटा की वैल्यू चाहिए क्योंकि हमें इसकी वैल्यू लगानी है, इस वाले की वैल्यू निकालनी है, तो ए बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी डेल्टा एक्स बीटा अपॉन डेल एक्स अल्फा इंटू कितना हो जाएगा ए अल्फा हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन से हमें किसकी वैल्यू मिल गई, ये मिल गई इसकी वैल्यू, देखो इसकी वैल्यू कितनी मिल गई ए बीटा, कितनी मिल गई इसकी वैल्यू ए बीटा मिल गई इसकी वैल्यू, तो देखो ये वैल्यू यहाँ पुट हो जाएगी, सिंपल है। ये हमारा क्या था, दो हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस थे, एक में हमने क्या ले लिया था वेरिएबल बीटा में ले लिया था, एक में वेरिएबल अल्फा में ले लिया था, सिंपल है, इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात ही ना है। तो दोनों के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये ए बीटा बन जाएगा यहाँ से,
ए डैश म्यू डेल एक्स बीटा अपॉन डेल एक्स अल्फा डैश अल्फा अपॉन डेल एक्स डैश म्यू, सॉरी एक्स डैश म्यू, ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमारा फाइनल मिल गया हमें। तो यहां से हम ए बीटा का निकाल लेंगे। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा एक्सप्रेशन। तो ये आ गई हमारी कौन सी इक्वेशन, टू आ गई हमारी। ठीक है, इक्वेशन बन क्या थी हमारी, इक्वेशन बनती हमारी ए डैश म्यू इक्वल टू एक्स डैश म्यू अपॉन डेल्टा एक्स डेल एक्स अल्फा इंटू ए अल्फा, ये थी हमारी इक्वेशन वन। ये आ गई हमारी इक्वेशन वन से इक्वेशन टू। उसमें हमने किससे मल्टीपल कर दिया दोनों तरफ, इस इक्वेशन में हमने मल्टीपल कर दिया था किससे, तो हमारी क्या इक्वेशन आ गई, हमारी ये इक्वेशन आ गई मल्टीपल करने के बाद। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, ये इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या है, इक्वेशन एक जो है इक्वेशन दो का क्या है सॉल्यूशन बताती है। समीकरण एक यहाँ पे क्या कर रही है, समीकरण एक समीकरण दो का हल प्रदर्शित करती है। अरे सिंपल है, देखो समीकरण एक थी, समीकरण दो बना आ गई हमारी उससे, यानी कि म्यूडेस अल्फा में थी समीकरण एक और म्यूडेस बीटा में समीकरण दूसरी हमारी मिल गई। तो हमारी एक क्या है, दूसरी का हल प्रदर्शित कर रही है। तो हमारे एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल का पता लग रहा है, इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पे हमारा को कॉन्ट्रा वेरियंट हमारा प्रूफ हो जाता है, कॉन्ट्रा वेरियंट वाली कंडीशन टेंसर वाली, कॉन्ट्रा वेरियंट टेंसर वाली की एक फंक्शन के वेरिएबल से दूसरे फंक्शन के वेरिएबल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारा प्रूफ हो गया पहली बार में, ये प्रूफ हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण एक को फिर से हम एक्स म्यू और एक्स डैश म्यू में हम कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमारी समीकरण बन क्या थी, नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन क्या थी हमारी इक्वेशन वन, ए डैश म्यू इक्वल टू एक्स डैश म्यू अपॉन डेल एक्स एल्फा और ए एल्फा थी, यही थी हमारी इक्वेशन। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन थी हमारी एक्स एल्फा, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, ए को क्या ले सकते हैं, ए को माइनस एल्फा और ए एल्फा में लेके देख ले रहे हैं हम। ए माइनस एल्फा अपॉन ए एल्फा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, सिंपल है। इतना समझ में आ गया, इतना आ जाएगा हमारा। तो आई होप ये इसको हम कुछ भी लिख सकते हैं। यहां पे हम क्या लिख देंगे, यहां पे हम ये आ जाएगा, यानी कि हमारा इस तरह से चलता है, ये कुछ भी ले सकते हैं हम, इस तरह से कुछ भी ले सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि दूसरे का तो हमारा ये हल जो है वो प्रदर्शित कर ही देगी, क्योंकि इस तरह से हमारे जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो इस तरह से चलते हैं। कुछ समझ में आ गया, इतना इतना समझ में आ गया, ये काफ़ी है। एक्स माइनस एल्फा एक्स एल्फा, तो एक्स जो है उसको माइनस म्यू में लेंगे तो म्यू में आ जाएगा। और इसमें है क्या, ए डैश अगर हम ऐसे लेंगे और इस तरह से लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, डेल एक्स डैश म्यू
डेल एक्स एल्फा, तो इस तरह से आ जाएगा। तो ये सब एक ही रूल से चलते हैं, ये इनमें सब में एक ही रूल अप्लाई हो रहा है, तो कोई कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है। तो इक्वेशन वन को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, हम ए डैश म्यू ए एल्फा और डेल एक्स डैश म्यू डेल एक्स एल्फा में लिख सकते हैं। तो वो हमारा ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब ए डैश म्यू ए लेमडा में हम लिख लेंगे, तीसरा ले लेंगे हम। हमने मान लिया यहाँ लेमडा ले लिया, इसकी जगह हमने क्या ले लिया एल्फा की जगह लेमडा ले लिया, तो ये भी किसमें लेमडा में आ जाएगा। अगर हम लेमडा लेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा, सिंपल सी बात है, तो लेमडा में हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात ही ना आएगी। तो एक्स की पावर एक्स माइनस एल्फा, एक्स माइनस एल्फा से हम ऊपर नीचे मल्टीपल कर देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, माइनस एल्फा और एल्फा वाला कंपोनेंट और लेमडा वाला कंपोनेंट मिलके हमारा बन जाएगा ये वाला एक्सप्रेशन। जैसे हमने फर्स्ट वाला किया था ना, ये ऐसे ही हम एक और कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक और हम कर सकते हैं इसी तरह का फंक्शन। दूसरा हमारे पास है क्या, इक्वेशन एक्स डैश म्यू है और एक्स एल्फा है, तो एक्स डैश म्यू एक्स डैश एल्फा को हम क्या कर सकते हैं, ए डैश एल्फा को हम इधर बता दे रहे हैं। ठीक है, एल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, ये एल्फा है और ये लेमडा है, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, ये एल्फा है और ये जो है ये लेमडा है, ये लेमडा है, ये इस तरह से लिख सकते हैं हम इसको। तो हमारी इक्वेशन क्या थी, कितना था, ये एल्फा था और यहाँ पे कितना था हमारा, ए एल्फा था, ए एल्फा ये था, क्योंकि यहाँ पे हम एल्फा ए लेमडा और एल्फा एंड लेमडा ये ले रहे हैं हम। ठीक है, तो ये हम अगर लेंगे तो हमारा ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो ही जाएगा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से हम ए लेमडा की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, किसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम, ए लेमडा की, एल्फा है हमारा तो ए लेमडा की वैल्यू निकाल लेंगे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा ए एल्फा, ये वाली इक्वेशन तो समझ में आई गई होगी, ए एल्फा ए लेमडा इक्वल टू डेल एक्स एल्फा डेल एक्स, ये अल्फा लेमडा बहुत कंफ्यूजन हो रहे हैं, इसमें है कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, ए अल्फा की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख दो और ए लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। फिर यहाँ से ए अल्फा की वैल्यू निकाल लो, ए अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा अपॉन ये लेमडा हो जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा ए लेमडा ये आ जाएगी वैल्यू, और इस पे हम लगा देंगे ये वैल्यू यहाँ पे। तो ये हमारा चेंजिंग हो रहा है, चेंज हो रहा है मतलब एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में, तो यहाँ की वैल्यू लगा दो, सिंपल है ये। तो लो ये हो गया सिंपल है, इस वाले से अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, पहले वाले में भी ऐसे ही कैंसिल आउट हुआ था, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बचेगा, तो हमारा एक्सप्रेशन बचेगा ए डैश म्यू इक्वल टू एक्स डैश म्यू अपॉन कितना बचेगा, लो ये आ गया लेमडा की फॉर्म में आ गया हमारा, ये इक्वेशन आ गई थ्री हमारी, तो थ्री इक्वेशन ये आ गई। तो इसमें है कुछ ना, हमने हम कोई और ले लें यहाँ पे गामा ले लें, गामा लेके फिर लगा दें अल्फा की वैल्यू, तो वहां पे किस में आ जाएगा, ए डैश म्यू इक्वल टू ए डेल एक्स डैश म्यू अपॉन डेल एक्स गामा, ए गामा में आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये गामा में भी ले सकते हैं हम, तो इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए ले सकते हैं हम। ठीक
ठीक है, तो इसी से हमारा क्या है, समीकरण तीन जो है समीकरण एक के समान है, जो कि प्रदर्शित करता है कॉन्ट्रा वेरियंट वेक्टर्स ग्रुप बनाते हैं। चूंकि इक्वेशन थ्री इज ऑल्सो इक्वल एंड सेम एज इक्वेशन, सेम ना लिख रहे हैं यहां पे, अलग अलग वेरिएबल लिए हमने तो इक्वल ही लिख दे रहे हैं। इक्वेशन थ्री इज ऑल्सो इक्वल टू इक्वेशन वन, तो ये क्या है, हेंस कॉन्ट्रा वेरिएंट वेक्टर मेक्स ग्रुप। क्या बनाते हैं कॉन्ट्रा वेरिएंट वेक्टर, इससे प्रूव होता है कि कॉन्ट्रा वेरिएंट वेक्टर क्या ग्रुप बनाते हैं। जैसे कि कॉन्ट्रा वेरिएंट वेक्टर ने ग्रुप बना लिया किसके साथ, यहाँ म्यूडेस वाले ने अल्फा वाले के साथ, लेमडा वाले के साथ बना लिया, म्यूडेस वाले ने अल्फा वाले के साथ बना लिया। स्टार्टिंग में इक्वेशन वन क्या थी हमारी, इक्वेशन वन हमारी ये थी, कहाँ गई इक्वेशन वन, ये हमारी इक्वेशन वन थी फ्रॉम इक्वेशन वन, तो ये हमारी इक्वेशन वन थी, ये हम ऑलरेडी यहाँ पर लिख चुके हैं इक्वेशन वन, तो ये हमारी इक्वेशन वन थी, इसने हमारा ग्रुप बनाया, ठीक है। दूसरी वाली ने हमारा ग्रुप बनाया, सेकंड इक्वेशन जो थी उसमें भी हमारा, तो ये क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ने सेकंड और थर्ड इक्वेशन से ये प्रूव कर दिया कि कॉन्ट्रा वेरिएंट वेक्टर जो है वो ग्रुप बनाते हैं। यहीं पे धन्यवाद, विदा लेना चाहेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं और फिर हम कोवेरियंट डिस्कस करेंगे, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए कोवेरियंट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप कॉन्ट्रा वेरियंट क्लियर हो गया होगा, ये जो क्वेश्चन वन है ये भी क्लियर हो गया होगा, कॉन्ट्रा वेरियंट को एक्सप्लेन कीजिए, ये पूरा कॉन्ट्रा वेरियंट है, ये क्या थी, एक्सप्लेन कॉन्ट्रा वेरियंट था ये क्वेश्चन, क्वेश्चन में ऐड कर दिया जाएगा अभी, एक्सप्लेन कॉन्ट्रा वेरियंट, कॉन्ट्रा वेरियंट टेंसर्स एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन था। थैंक यू फ्रेंड्स, सब चैनल को सब्सक्राइब करना और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना ना भूलें, तब तक के लिए विदा।